पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम की लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। पहले लास्ट डेट दिसंबर थी, अब इसमें जो लास्ट डेट एक्सटेंड करके इसे 31 जनवरी 2023 कर दी गई है, यानी आप 31 जनवरी से पहले आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो है यहाँ पे इन्होंने लिखा है यूजी एंड पीजी स्टूडेंट एडमिट इन द कॉलेज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कीम, यानी जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये स्कीम है किस बच्चे के लिए, तो मैं आप लोगों को अगर ये पढ़ के बताऊँ, ये जो स्कीम है यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी चेकआउट करो तो यहाँ लिखा है आप फुल टाइम बोनाफाइड स्टूडेंट स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जिन बच्चों कॉलेज अलॉट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल देशबंधु, रामजस, हंसराज, ये सारे हैं कॉलेज। अब कुछ बच्चों को जिन्हें डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, डिपार्टमेंट जो है कॉलेज से बहुत अलग होता है, जिन बच्चों को डिपार्टमेंट अलॉट होता है, ज़्यादातर पीजी वाले बच्चों को डिपार्टमेंट अलॉट होता है, ठीक है, यूजी वाले में कुछ कोर्सेज को डिपार्टमेंट अलॉट होता है, ठीक है, तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। बाकी अगर आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी इस स्कीम में और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बस उस वीडियो में ये करेक्शन कर लेना कि जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज वाले अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने उस वीडियो में हालांकि बता रखा था क्योंकि ये बाद में इन्होंने क्लेरिफाई करा था, ठीक है, तो बस वही उस वीडियो में एक छोटी सी करेक्शन है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।